hello friends now we are started session 7 these are the last session of the chapter 6 plant water relation so now in this session we are started the topics structure of stomata types of stomata and mechanism of opening of closing of stomata in which we are studied two different theories

सो नाउ इन द गार्ड सेल द इनर वॉल इज अ थीक हम लोग डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे इनर वॉल कैसा है ठीक है वेल आउटर वॉल ऑफ दिस गार्ड सेल इज अ थी एंड परमिएबल सो वन सकें आई विल रिपीट वॉट इज स्टोमाटा स्टोमाटा आर द स्मॉल पोर ऑर ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव और ऑन द यंग स्टेम नाउ the stomata is guarded by specialized cell called as a guard cell guard cell surrounded by the subsidiary cell this see the structure of guard cell the inner wall of the guard cell is a thick wall while outer wall of the guard cell is a thin and permeable to the solute while inner wall is a thick and it is not permeable so now the in guard cell

टा ना द नेक्स्ट टॉपिक इज अ टाइप ऑफ स्टोमाटा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल स्टोमाटा आर मेनली टू टाइप्स गार्ड सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टोमाटा के कितने टाइप है टू टाइप्स द फर्स्ट टाइप इज अडनी शेप स्टोमाटा एंड सेकेंड टाइप आपको दूसरे डायग्राम दिख रही है आपको सी डी डायग्राम में डम्बेल शेप्स टोमाटा सो ना द किडनी शेप्स टोमाटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायकॉट प्लांट वाइल डम्बेल शेप्स टोमाटा दूसरे डायग्राम में जो दिख रहे आपको डम्बेल शेप इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट स्टोमाटा सो इन डायकॉट्स स्टोमाटा द स्टोमाटा द गार्ड सेल इज अ किडनी शेप देर अरेज अरेंज कैसे इन द स्कैटर मैनर बट नाउ इन मोनोकॉट दे अरेंज इन अर मैनर तो मोनोकॉट में स्टोमाटा एक दूसरे के ऊपर रहता है इन अ लीनियर मैनर वाइल इन डायकॉट जो पहले डायग्राम है ए बी दिस डायग्राम मीस दिस स्टोमाटा द डम्बे ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट इन द स्कैट मैनर सो नाउ इन द स्टोमाटा नाउ

प्रेज इन द मोनोकॉट प्लांट सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा सो देर आर टू मैकेनिज्म द फर्स्ट मैकेनिज्म इज अ स्टार शुगर इंटरकन्वर्शन थेरी और सेकेंड है प्रोटोन पम्प थेरी तो पहली मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा के लिए दो थेरी है स्टार शुगर थेरी और दूसरी प्रोटोन पम्प theory so first one is a starch sugar interconversion theory this theory put forward by Stewarts in 1964 once again I will repeat the starch sugar interconversion theory was put forward by Stewarts in 1964 according to this theory द टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल हेल्प इन अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ये थेरी क्या कहती है जो टर्गर प्रेशर डेवलप होता है गार्ड सेल में वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है नाउ इन द फर्स्ट डायग्राम आप लोग ए डायग्राम की बात करते हो द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एकॉर्डिंग टू दिस थेरी द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कब होता है इन द गार्ड सेल द टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसि एंड इंक्रीज इन द टर्गर प्रेशर इट स्ट्रेच द प्रेशर ऑन द आउटर थीन वॉल ओके एज अ रिजल्ट द इनर थिक वॉल इज पुल ऑफ एंड

उसका वाटर कहाँ पे जाता है गार्ड सेल में एंडोसोसिस में एज ए रिजल्ट आउटर वॉल कैसा है गार्ड सेल का थीन वॉल और इनर कैसा है थीक तो थीन वॉल पुल कहाँ पे होता है ऑन द आउटर साइड एंड इट क्रिएट टेंशन ऑन द इनर वॉल विच इज पुल्स पुल कंप्लीटली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा तो इनर वॉल खींचा जाता है बिकॉज एंडसिस्ट की वजह से आउटर थिक पॉल अपार्ट साइड में गया तो उसका जो प्रेशर है वो इनर थिक पॉल पे आता है और थिक पॉल को भी ये ओपन कर देता है तो स्टोमाटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे टाइम सो नाउ इन द सेकंड हेरी इन सॉरी इन द सेकंड डायग्राम द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इज डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द टर्गर प्रेशर देर इज अ एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस And the solute which is present in the guard cell which come into the subsidiary cell as a result there is a guard cell become flaccid due to the, it become flaccid the inner thick wall are contact to each other and as a result stomata remain closed so turgid causes opening of stomata flaccid causes closing of stomata so these are the शुगर स्टार्च कन्वर्शन थेरी ओके टर्गर प्रेशर इसमें देखो यहाँ पे जब स्टोम ओपनिंग होता है टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल का वो किसके वजह से होता है स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द शुगर और शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसलिए गार्ड का टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होता है इसकी वजह से जो एंड एंडोस्मोसिस होता है इसके लिए स्टोमाटा ओपन रहता है ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा कब क्लोज होता है जब शुगर कन्वर्टेड इंटू द अगें स्टार्च osmotic pressure dramatically decrease and turgor pressure of the guard cell is also decreased. as a result flaccid of guard cell takes place and responsible for the closing of stomata so this mechanism is called as a starch sugar interconversion theory okay now the second important theory is a proton pump theory so these are called as a proton pump mechanism Regarding to the opening and closing of stomata. Now, this theory was put forward by Lewitt in 1974. Once again I will repeat Proton Pump Mechanism for the opening and closing of stomata. This theory was proposed by Lewitt in 1974. So now look first part the opening of stomata. Now look at this diagram.

इट्स कन्वर्टेड इन टू द मैलिक एसिड ड्यूरिंग डे टाइम गार्डसेल में जो स्टार्च प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में तो मैलिक एसिड क्या करता है गार्डसे गार्डसेल किस में कन्वर्ट हो गया स्टार्च से मैलिक एसिड मैलिक एसिड डिसोशिएटेड हाइड्रोजन आयन एंड मैलेट आयन तो जब सेल में स्टार्च का मैलेट एसिड कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम तो हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन गार्ड सेल डिसोशिएट करता है गार्ड सेल से बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल में भेजता है एंड द पोटेशियम आयन एंटर इनटू द गार्ड सेल एक तरफ हाइड्रोजन आयन एच आयन प्रोटॉन बोल आयन बोल सकते हैं। और मैलेट मैलिक मैलेट आयन ये कहाँ से गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में जा रहे हैं सराउंडिंग ऑन देंड पोटेशियम आयन एंटर इंटू द गार्ड सेल so due to the increase in the potassium ion in the guard cell their osmotic pressure guard cell osmotic pressure increase due to the increase in the osmotic pressure due to the osmosis the water enter into the guard cell from the surrounding cell surrounding cell say water carpentry the guard cell as a result stomata remain open during daytime क्योंकि पानी जब एंटर होता है देर इज अ टेक्स प्लेस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ टोमाटा वंस अगेन आई विल रिपीट ड्यूरिंग डे टाइम डे टाइम में क्या होता है इन अ गार्ड सेल गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है स्टार्च स्टार्च किस में किस में कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड तो मैलिक एसिड क्या करेगा मैलिक एसिड ड्यूरिंग मैलिक एसिड बन गया गार्ड सेल में तो ये हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन को डिसोशिएट कर देता है गार्ड सेल से बाहर की तरफ भेज देता है भगा देता है ऑन द अदर हैंड पोटेशियम आयन एंटर इनटू द गार्ड सेल पोटेशियम आयन कहाँ से एंटर हो जाता है सराउंडिंग सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आ जाते हैं एज अ रिज एट इंक्रीज इन द पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल

क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डरिंग नाइट टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा रिमेन क्लोज सो ड्यूरिंग नाइट टाइम द सेव टू कॉन्सेंट्रेशन इन द गार्ड सेल गार्ड सेल का जो सेव टू कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है एंड द पी एच ऑफ द गार्ड सेल इज ऑल्सो इंक्रीज वंस अगेन आई विल रिपीट ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा रिमेन क्लोज नाइट टाइम स्टोमाटा बर्न होता है कैसे बन होता है गार्ड सेल में सेव टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और सीओडू कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया गार्ड सेल में तो गार्ड सेल का पी एच भी बढ़ता है एंड इट बिकम मोर एसिडिक व्हेन द गार्ड सेल बिकम एसिडिक द पोटेशियम आयन विच इज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल इज डिसोशिएटेड इन टू द सब्सिडरी सेल तो पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल में थे दिन के टाइम जब स्टोमेटा ओपन था वो रात के टाइम कहाँ हो जाते हैं एंड एज अ इट बिकम डिसोशिएटेड वाटर इज ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द गार्ड सेल टू द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल तो पोटेशियम आयन बाहर आने की वजह से वाटर भी यहाँ पे क्या होता है एग्जॉसमोसिस होता है वाटर भी बाहर सब्सिडरी सेल में आ जाता है एंड एज अ रिजल्ट स्टोमाट रिमेन क्लोज सो नाउ दिज पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इन द प्रोटन पम्प मैकेनिज्म इट मेंटेन बाय द क्लोरीन आयन विल रिपीट जो पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सनट्रेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इट्स मेंटेन बाय क्लोरीन आयन तो क्लोरीन आयन इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है सो so ये हुआ आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एकदम फास्ट फॉरवर्ड यहा हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमाटा इन प्रोटीन पम्प मैकेनिज्म डे टाइम्स टोमाटा रिमेन ओपन सो ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन एंड मैलिक आयन मैलिट आयन कहाँ पे हो जाते है डिसोशिएटेड फ्रॉम गार्ड सेल टू द सब्सिडरी सेल गार्ड सेल से बाहर आते हैं सब्सिडरी सेल में जो सदर सराउंडिंग सेल है ओके ऑन द अदर हैंड पोटेशियम आयन एंटर इनटू द गार्ड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल वॉटर एंटर इन टू द गार्ड सेल एंड एंडोस्मोसिस्टिक्स प्लेस एज अ रिजल्ट स्टोमाटा रिमेन ओपन एंडोस्मोसिस में क्या होता है आउटर थीन वॉल जो प्रेशर बनाता है टूर आउटसाइड तो ये प्रेशर इनर थी वॉल को भी क्या करता है स्ट्रेच ओपन करता है एंड स्टोमाटा रिमेन ओपन ऑन द अदर हैंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटो कब होता है हम ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या हो जाता है सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन इन द गार्ड सेल इंक्रीज और सी ओ टू कॉन्सनट्रेशन गार्ड सेल इंक्रीज होने की वजह से पोटेशियम आयन मीन्स कार्ड सेल बिकम मोर एसिडिक एंड पोटेशियम आयन कम आउट इन टू द सब्सिडरी सेल गार्ड सेल से पोटेशियम आयन कहाँ पे जाता है सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है एज ए रिजल्ट इट ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से इट अंडरगोज एग्जॉस्मोसिस वाटर कहाँ पे जाता है गार्ड सेल टू सराउंडिंग सब्सिडरी सेल एज ए रिजल्ट स्टोमाटा रिमेन क्लोज सो दीज आर द mechanism of opening and closing of stomata so these are the two theories this both the theories are very important so okay now this topic and this chapter is completed thank you take care